नमस्कार दोस्तों, फाइनली फिर आज आपके लिए एकदम नया बिजनेस लेकर आए, फूड बिजनेस लेकर आए जो आपके हर क्षेत्र में बहुत ही अधिक चलेगा और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। आप अपनी छोटी सी टेबल लगाकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जानेंगे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू। आलू के बाद हमें तेल लेना होगा। तेल के बाद हमें लेना होगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बाद चाट मसाला, स्वाद अनुसार लेना होगा नमक। ये हमने आलू ले लिए, अब हम इन आलूओं को छीलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है, आलूओं को छील करके और धो करके इस प्रकार से तैयार कर दिया है। अब ये हमारी मशीन है, इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये हमने मशीन ऑन कर दी है, अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। ये हमारा इस प्रकार से बन करके तैयार हो गया है। जितना लंबा आप आलू डालेंगे उतने लंबे ये फ्रेंच बन करके तैयार होंगे। अब हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद ये कॉर्नफ्लावर है, इसको भी हम डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस प्रकार मिलाने के बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों ये हमने जो ऑयल डाला था ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारे कटे हुए आलू के स्लाइड्स है वो हम इसके अंदर डालेंगे। डालो ना। अब इसको धीरे धीरे हिलाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई होने देंगे। जब तक इसके अंदर हल्का ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे तेल के अंदर फ्राई होने देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ब्राउन हो गए हल्के हल्के। तो दोस्तों ये एकदम बन करके रेडी हो गया है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने रख दिया है ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल है वो निकल जाए। ये ऑयल एकदम निकल गया है, अब हम इसको इस प्रकार से ट्रे में निकालेंगे। दोस्तों ये हमारा बन करके रेडी हो गया है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, चाट मसाला डालेंगे स्वाद अनुसार। ये हमने स्वाद अनुसार चाट मसाला मिला दिया है। ये इसके अंदर हमने सॉस डाल दिया है। दोस्तों ये हमारा एकदम बनकर के फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गया है। इसको आप चाहें तो जितना बड़ा आप आलू लेंगे उतने बड़े ये बनकर के तैयार होंगे। अगर आप ये इस प्रकार की बड़ी प्लेट बनाते हैं तो ये 40 रुपए की प्लेट बिकती है। अगर आप छोटे बनाते हैं धोने के अंदर सेल करते हैं तो ये 20 रुपए के बिकते हैं। फूड बिजनेस है और बहुत ही चलने वाला बिजनेस है, हर क्षेत्र में चलेगा। तो जैसा कि अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा कि किस प्रकार से इसके अंदर प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ, के अंदर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। अगर हम बात करें इसके अंदर रॉ मटेरियल की तो आपको आलू लेना होगा।
आलू अगर आप मंडी से खरीदते हैं तो बहुत ही सस्ते आपको आलू मिल जाएंगे, अगर आप फार्मर वालों से खरीदते हैं तो और भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। और इसके अंदर आप जो प्लेट बनाएंगे और इसे जब बेचेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है और हर क्षेत्र में चलेगा। और आज के समय में तो इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है और आने वाले समय में भी बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का हमारा बिजनेस आइडिया आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही हमारी कंपनी लगभग 150 प्रकार की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको यहाँ पर छोटी मशीनों से लेकर बड़ी मशीनें मिल जाएगी, आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और बिजनेस के बारे में आपको पूरा गाइड किया जाएगा। आशा करते हैं आज का हमारा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए, डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।